सुल्तान, मैरी कॉम, दंगल, भाग मिल्खा भाग एंड मोस्टली स्पोर्ट्स मूवीज का एक ही स्टोरी लाइन होता है, पहले स्ट्रगल दिखाओ, फिर कामयाबी दिखाओ, फिर किसी वजह से डाउनफॉल और फिर से कामयाबी। ऑलमोस्ट हर एक स्पोर्ट्स मूवी का स्टोरी लाइन सिमिलर ही होता है। तो अब ये टिपिकल स्टोरी लाइन की वजह से स्पोर्ट्स मूवीज थोड़ी मोनोटोनस सी हो गई है। तो क्या तूफान भी ऐसा ही कुछ है? चलिए जानते हैं आज के रिव्यू में। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। स्टोरी के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, मूवी में वही टिपिकल स्टोरी दिया गया है जो आप ऑलमोस्ट हर बॉलीवुड स्पोर्ट्स मूवी में देखते आए हैं, स्पेशली बॉक्सिंग में। तो अब ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन। आप दंगल देखिए, उसमें भी ऐसा ही कुछ है, स्ट्रगल, राइज टू फेम, डाउनफॉल, फिर राइज। लेकिन एग्जीक्यूशन ऐसा था कि दंगल बॉलीवुड का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज राइटफुली बन गया। लेकिन इस तूफान का एग्जीक्यूशन थोड़ा थम सा जाता है। मूवी 2 घंटा 40 मिनट का है, जो एक टाइम बाद बहुत लंबा लगने लगता है। मूवी का हर एक सीन प्रिडिक्टेबल है और आपके दिमाग में पहले से ही पिक्चर बनकर रेडी रहती है। देखिए, मूवी का लेंथ हमेशा इशू नहीं होता अगर स्क्रीन प्ले अच्छा हो। इनफैक्ट तूफान के ही डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की खुद की ही मूवी को देख लीजिए, भाग मिल्खा भाग 3 घंटा 10 मिनट की मूवी थी और रंग दे बसंती 2 घंटा 50 मिनट की, और दोनों मूवी का क्या इम्पैक्ट रहा वो हर कोई जानता है। इसलिए लेंथ इशू नहीं होता है अगर स्क्रीन प्ले अच्छा हो, और तूफान के स्क्रीन प्ले में बहुत कुछ हो रहा था क्योंकि वो अपने स्टोरी टेलिंग में भटक रहा था, जहां लव एंगल इन्वॉल्व्ड है, हिंदू मुस्लिम इशू इन्वॉल्व्ड है, डार्क साइड ऑफ स्पोर्ट्स भी इन्वॉल्व्ड है। ये सब कुछ का खिचड़ी ऐसा पकता है कि डोंगरी का गुंडा अज्जू भाई अजीज अली बॉक्सिंग चैंपियन इतना जल्दी कैसे बन जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अजीज अली का राइज बहुत पुश लगता है, जो हजम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। बात करें अगर परफॉर्मेंस का, तो दिस मूवी इज अ वन मैन शो एंड दैट्स ऑब्वियसली फरहान अख्तर। उनका पावरफुल पंचर सिर्फ हाथ से ही नहीं, उनके एक्सप्रेशन से भी दिखता है। डोंगरी का अज्जू भाई हो या अजीज अली द बॉक्सर, दोनों रोल में फरहान अख्तर कंप्लीटली नेल्ड इट। मूवी में उनका वाइड रेंज ऑफ इमोशंस उनके कैरेक्टर को और भी एलिवेट करता है। उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भाग मिल्खा भाग में तो हम सब देख ही चुके हैं, लेकिन इस मूवी में उनका ट्रांसफॉर्मेशन और भी जबरदस्त था, जहां वो एक स्टेज पे मोटे से जबरदस्त बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो आपको दंगल का भी याद दिलाएगा। लेकिन फरहान अख्तर के डेडिकेशन का तारीफ करना बहुत जरूरी है। वहीं लीड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर एटलीस्ट मेरे लिए इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी। यूजुअली जब भी कोई मेल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स मूवीज बनती है तो उसमें फीमेल कैरेक्टर्स को साइड में रखा जाता है एज अ शोपीस, लेकिन इस मूवी में मृणाल का कैरेक्टर सेंटर में है। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर की वजह से ही मूवी में बहुत कुछ होता है, और बोलने को तो लीड एक्टर फरहान अख्तर है, लेकिन स्टोरी मृणाल के कैरेक्टर अनन्या के अराउंड रिवॉल्व करता है। मृणाल ठाकुर बहुत ही स्वीट लगी है इस मूवी में, और उनका इनोसेंस उनके रोल को काफी हद तक जस्टिफाई किया। इनफैक्ट इस मूवी में इनका परफॉर्मेंस को देखने के बाद आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी जर्सी, जहां वो शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी। परेश रावल का भी परफॉर्मेंस एज ऑलवेज एक्सेप्शनल था, लेकिन एज अ बॉक्सिंग कोच उनका कैरेक्टर उनपे सूट नहीं किया। यहाँ डेफिनेटली किसी और को कास्ट किया जा सकता था। मूवी में एक और प्रॉब्लम था और वो है विजय राज का कैरेक्टर। विजय राज जैसे टैलेंटेड एक्टर भी थे इस मूवी में, और उनको सिर्फ 2 ही सीन दिया गया। सीरियसली, विजय राज अब ऐसे मुकाम पे हैं जहां लोग उनको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, लेकिन इस मूवी में वो हार्डली 5 मिनट के लिए नजर आएंगे, और उनका टैलेंट कम्प्लीटली वेस्ट किया गया। इनफैक्ट उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन भी था फरहान अख्तर के साथ, और उस सीन को बहुत ही अजीब तरह से खत्म किया गया, जो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा। मूवी में अननेसेसरीली बहुत सॉन्ग्स भी है, आई गेस 6 या 7 गाना है मूवी में, और आज के डेट में इतना गाना कौन रखता है भाई। इन सॉन्ग्स की वजह से मूवी और भी खिंची खिंची सी लगती है। बात करें अगर मूवी के फाइटिंग सीक्वेंसेस का, तो भाई फाइटिंग सीक्वेंसेस का कोरियोग्राफी बहुत ही जबरदस्त था। एक पे एक हार्ड पंचेस देखने को मिलेंगे, जो आपके अंदर भी जोश भर देगा कुछ कुछ सीन्स में, लेकिन इन पंचेस का मूवी का इतना लंबा होना जस्टिफाई नहीं करता। तो गाइस, एक्टर्स का जबरदस्त परफॉर्मेंस और फरहान अख्तर के हार्ड पंचेस मूवी के लेंथ को जस्टिफाई नहीं करता है। प्लस मूवी एकदम प्रेडिक्टेबल है, जिसमें कुछ नया नहीं है, इसलिए अगर आपके पास कुछ नहीं है देखने को तो आप इसको देख सकते हैं, आपका टाइम पास अच्छा होगा उसमें, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आप एंजॉय भी करेंगे, लेकिन इन द एंड आपको ये मूवी देखा देखा सा लगेगा। इसलिए देने को तो मैं इस मूवी को 2.5 out of 5 दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फरहान अख्तर के डेडिकेशन की वजह से मैं इस मूवी को 3 out of 5 देता हूँ। तो गाइस, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड और भी लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में, या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।